मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 8 की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन जो दोहरान कार्य है उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोगों की भी लोगों को भी एग्जाम की दृष्टि से इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखें, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर, पहला क्वेश्चन, यदि राजा के राज्य के भीतर राज्य के यदि राजा के राज्य के सभी राज्य के सभी कारीगर अपने 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 श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते प्राप्त रहे होते तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? और देखिए उत्तर इसका, यदि राजा के राज्य के भीतर राज्य के राज्य के सभी कारीगर अपने 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 श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तो शायद वे गवरिया से पारिश्रमिक
पारिश्रमिक की चाह ही नहीं रखते। खुशी खुशी मुफ्त में ही टोपी बना देते। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गौरा व गौरिया गौरिया की मित्रता मित्रता की घनिष्ठता मित्रता की घनिष्ठता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए आपका, गौरा व गौरिया जहां जाते साथ ही जाते। साथ ही जाते साथ हंसते साथ ही रोते साथ ही रोते एक साथ खाते पीते एक साथ सोते प्रातः होते ही अपने घोंसले से निकल जाते निकल जाते दाना चुगते और संध्या होते घोंसले में आ घुसते घोंसले में आ घुसते थकान मिटाते थकान मिटाते और सारे दिन सारे दिन
जो कुछ देखा। देखा सुना। उसकी चर्चा करते। दोनों एक दूसरे के पास परम संगी। तो ये दो क्वेश्चन आपके, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तो गवर्निया के साथ उन कारीगरों का कैसा व्यवहार होता। तो यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, यानी राजा के जो राज्य था तो उसमें प्रत्येक जो कारीगर या श्रमिक था उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन गवरिया ने क्या कहा, जिसके पास भी वो गई अपना अपनी टोपी बनाने के लिए, कपड़ा न जाने कहाँ से वो कपड़ा क्या करती है, लेती है और उसका आधा आधा भाग हर जगह वो देती है। तो हर किसी को क्या लगता है, पारिश्रमिक अच्छा लगता है। अगर राजा के राज्य के सभी कारीगर को आप श्रम का उचित मूल्य मिल रहा होता तो गवरिया से पारिश्रमिक यानी गवरिया से मजदूरी है कि चा कोई भी कारीगर नहीं रखता और मुफ्त में टोपी बना देता। तो इसका मतलब ये है कि राजा का जो राज्य था, राजा खुद भी क्या करता था, राजा के पास भी ऐसी टोपी नहीं थी गवरिया जैसी। क्यों नहीं थी, क्योंकि राजा उचित मूल्य नहीं देता था, मुफ्त में काम करवाता था, तो मुफ्त का काम कोई नहीं करता था एक तरह से देखा जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, गवरिया गवरा और गवरिया की जो मित्रता है उसकी घनिष्ठता का वर्णन करना है। तो गवरा और गवरिया जहां कहीं भी जाते थे तो साथ ही जाते थे, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते, सारे के सारे कार्य क्या करते थे, दोनों मिलजुल करके किया करते थे। सुबह होते ही, प्रातः का मतलब सुबह होते ही अपने घोंसले से निकल जाते। आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकल करके कहाँ जाते हैं, चुगा चुगने के लिए, दाना जिसको बोला जाता है दाना चुगते, और शाम होते, संध्या का मतलब शाम होते अपने घोंसले में घुसते, आराम से अपनी थकान मिटाते और सारे दिन जो कुछ देखा सुना उसकी चर्चा करते कि दिन भर में आपने क्या किया है, किस क्या कुछ हुआ, ये सारी वो बातें करते। और दोनों एक दूसरे के परम संगी, दोनों एक दूसरे का साथ निभाने वाले थे। कौन? गौरा और गवरिया। तो पांच फूदने से संबंधित एक क्वेश्चन और है, वो भी लिखते हैं। टोपी पाठ के आधार पर। टोपी पाठ के आधार पर टोपी पाठ के आधार पर बताइए कि
दर्जी ने बताइए कि गवरिया की टोपी, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए, जब गवरिया ने दर्जी से कहा कि जब गवरिया ने दर्जी से दर्जी को यह कहा कि वह उस वह उस कपड़े कपड़े की दो टोपियां सिल दे, एक टोपी मजूरी के रूप में अपने लिए रख ले, इस प्रकार के पारिश्रमिक से खुश होकर दर्जी ने गवरिया की टोपी पर 5 फुदने जड़ दिए, ठीक है। जब गवरिया के पास कपड़ा था, कपड़े को उसने क्या किया, कपास से कपड़ा बनवाया, हर एक जो बीच में मजदूर मिला उसको उसने उसकी मजदूरी दी, मजदूरी स्वरूप उसने आधा आधा भाग हिस्सा उन्हें मजदूरी के रूप में दिया है। दर्जी को भी उन्होंने उसी रूप से कहा कि तुम 2 टोपी सिल दो, एक मजदूरी के स्वरूप में खुद रख लेना, और उसी पारिश्रमिक से खुश होकर के जो दर्जी था उसने गवरिया की जो टोपी थी उसके ऊपर 5 फुदने जड़ दिए, ठीक है।
इस प्रकार से आपको ये आगे के टोपी वाला जो पार्ट है उसके 3 क्वेश्चन मैंने लिखाए, इनको ढंग से अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें। बंद तो कर दिया मैंने, नहीं हो वैसे अगर क्लिक तो किया मैंने।